दोस्तों। बात करते हैं कि हम कैसे स्केल फॉर्मेशन को रोक सकते हैं, है ना, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इसको, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। तो प्रिवेंशन करना पड़ेगा हमें इसका, पहला इससे बेहतर है कि ख़राब हो जाए कोई चीज़ हो बाद में हम उस टैंक को लगे हुए हैं सही करने में, उससे पहले कि हम रोकथाम कर लें ताकि हमें वो काम ही ना करना पड़े। तो सबसे पहला जो प्रिवेंशन है वो है कोलाइडल कंडीशनिंग, कोलाइडल कंडीशनिंग करनी पड़ेगी हमें, कोलाइडल जैसे पदार्थ डालने पड़ेंगे उसमें पानी के अंदर। दो तरीके हैं ट्रीटमेंट करने के, अगर रोकना चाहते हैं हम, है ना। तो दो तरीके क्या हैं, एक तो आपके पास एक्सटर्नल तरीका और एक है इंटरनल तरीका। एक्सटर्नल का मतलब बाह्य तरीका, बाह्य तरीका ये है कि अगर आप पानी का सोर्स बदल दें, मतलब आपको पता है कि बाहर ही से कोई ट्रीटमेंट करके अंदर टैंक के अंदर जो है सॉफ्ट वाटर पास करे, तो पहला तरीका तो ये बेटर ही है कि टैंक के बॉयलर के अंदर ही जो है अच्छा पानी जाए, तो ये सबसे अच्छा तरीका है ना, भारी कोई ट्रीटमेंट कर ले कि इस ये है कि आप पानी जो है दूसरा डालें, वो एक्सटर्नल तरीका है। कौन सा दूसरा? सॉफ्ट वाला, ठीक है, जिसके अंदर साल्ट हट गए हों। इंटरनल तरीका ये है कि इतना आसान नहीं है जितना हम कह रहे हैं कि बाहर से कोई पानी हम डालेंगे अंदर, इतना आसान भी तरीका नहीं है कि बाहर से एकदम प्योर वाटर चले जाए अंदर। तो इंटरनल में हमें कुछ ना कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिसके पानी बहुत आसानी से उबल जाए, उससे स्टीम जनरेशन पैदा हो। तो एक्सटर्नल इंटरनल तरीका है सर्टेन केमिकल, कुछ निश्चित केमिकल हैं जिनके डालने से हम क्या रोक सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। किसको प्रिवेंट कर सकते हैं? स्केल फॉर्मेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल तो ये क्या पढ़ना है, एक पानी दूसरा सॉफ्ट वाटर डालना है, पढ़ना हमें जो है वो मेन है हमें इंटरनल वाला कि हम क्या क्या केमिकल डालेंगे जिससे अंदर जो है बॉयलर के अंदर जो समस्या है उसको निजात, थोड़ा हद तक निजात पा सकें, हालांकि कुछ साइड इफेक्ट भी होंगे उसके अंदर। तो पहला है कोलाइडल कंडीशनिंग। कोलाइडल कंडीशनिंग में हम क्या करेंगे, कुछ सर्टेन कोलाइडल सब्सटेंस डालेंगे, जैसे मान लीजिए टैनिन है, एगर है ना, केरोसिन है, इनको डालने से क्या होता है, इसके अलावा कोई और, ये अगर हम ऐड कर दें केरोसिन टैनिन अगर एक सवाल है, आपको पता है टैनिन भी एक पदार्थ है जिससे चमड़े को सही किया जाता है, मतलब उसको साइन किया जाता है उसको, ठीक है। केरोसिन तो आपको पता है मिट्टी का तेल, तो अगर हम इन सबको डालेंगे उसके अंदर, कोलाइडल टाइप के पदार्थ हैं ये, इसको डालेंगे तो जो अंदर की पपड़ी होगी, जो टाइट पपड़ी होगी, वो टाइट नहीं बनेगी, फिर वो ढीली रहेगी। तो ढीली रहेगी तो आप एक बार एक फोर्स से खोल दो उसे टैंक को, है ना, वो ढीली पपड़ी जो है बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, अगर हम ये पदार्थ डालते हैं साथ में। तो दूसरा ये है कि अगर हम कार्बोनेट कंडीशनिंग करें, दूसरा जो पार्ट है हमारे पास प्रिवेंशन का वो है कार्बोनेट कंडीशनिंग ना, जैसे क्या करते हैं हम हेयर कंडीशनिंग करते हैं, बालों में हम क्या डालते हैं, कंडीशनर लगाते हैं तो बाल बढ़िया बन जाते हैं। मैंने तो लगाया नहीं, इसने लगाया होगा पक्का, इसके बाल खड़े उठे हुए हैं, ऐसा नहीं धूल से उठे हुए खड़े कंडीशनर। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो कार्बोनेट कंडीशनिंग, अब देखो यहाँ पे कार्बोनेट क्या है, कार्बोनेट कंडीशनिंग क्या करता है, जो ये होता है सबसे पहले लो प्रेशर बॉयलर में, लो प्रेशर बॉयलर का मतलब समझे, जिसके अंदर प्रेशर कम बना हो, है ना,
हीट का प्रेशर कम बनाए, तो उस प्रेशर में हम क्या करते हैं, कार्बोनेट कंडीशनिंग करते हैं। कार्बोनेट कंडीशनिंग में क्या होता है, जो सोडियम कार्बोनेट डालते हैं हम Na2CO3, तो Na2CO3 क्या करता है, जो ये साल्ट है, कैल्शियम सल्फेट है, जो हार्ड कर रहा है वाटर को, है ना, उसको क्या कर देता है, एक्सचेंज कर देता है और हमारे पास बनाता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, इसकी भी पपड़ी बनेगी, ऐसी नहीं कि कैल्शियम कार्बोनेट की पपड़ी नहीं बनेगी, पर कैल्शियम कार्बोनेट की पपड़ी स्केल नहीं बनाएगी, स्लज बना सकती है, ढीली ढाली बनाएगी, ठीक है ना, ये ढीली ढाली बनाएंगे इस दोनों। टाइट किसकी थी, ये वाली कैल्शियम सल्फेट की, ये स्केल बनाती है। इसका तरीका है कि ढीली वाली बनाओ, टाइट परत जो है उसको ढीला करना है, तो टाइट परत को ढीला करने का तरीका है कि हम सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, कार्बोनेट क्या करेगा, सल्फेट को कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देगा, तो ये स्लिमी लेयर बनाएगा, लेयर तो ये भी बनाएगा क्योंकि जाना तो है ही, पदार्थ ने तो कहीं ना कहीं जाना ही है ना, तो कैसे बनाएगा, स्लिमी लेयर बनाएगा। तो स्लिमी लेयर क्या है, आ जाएगी पानी के बाहर, आप उसे निकाल दोगे एक दिन, है ना, कहीं से खोल के तेज़ी से बाहर निकाल के, है ना, या फिर उसके अंदर और कोई इंस्ट्रूमेंट डाल के उसको बाहर निकाल के किसी भी आसानी से। लेकिन अगर टाइट है, स्केल बन गया है, तो थोड़ा क्या है, वो पूरा बॉयलर के लिए ख़तरनाक है ना, बॉयलर ख़राब हो जाएगा उससे। कार्बोनेट कंडीशनिंग के अलावा हमारे पास एक कंडीशनिंग और है, फॉस्फेट कंडीशनिंग। फॉस्फेट कंडीशनिंग, फॉस्फेट डालेंगे हम, कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम फॉस्फेट सॉरी, तो सोडियम फॉस्फेट डालने से क्या होगा, हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट, हम डालेंगे Na3PO4, सोडियम फॉस्फेट डालेंगे हम, ठीक है, Na3PO4, तो Na3PO4 डालेंगे हम, तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट हमारे पास क्या है, ये हार्ड वाटर के अंदर है, ये हार्ड वाटर के अंदर है, अब क्या बनेगा, देखो ये बनेगा कैल्शियम फॉस्फेट, क्या बनेगा भाई, ये रिप्लेस तो होंगे आपस में, मेटल मेटल को रिप्लेस करेगा और क्या होगा, है ना, तो कैल्शियम फॉस्फेट बनेगा PO4। अब देखो यहाँ पे, देखो ये तो ठीक था, ये तो ठीक था, ध्यान से दीजिए, ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला तो ठीक था, Na3PO4 3 माइनस होता है, 3 माइनस को 3 प्लस बैलेंस कर रहा है, यहाँ पर ये ठीक नहीं है, तो इसको ठीक करने के लिए PO4 3 माइनस होता है, तो इसकी बैलेंस आ जाएगी यहाँ, है ना, और कैल्शियम 2 प्लस होता है, तो PO4 माइनस का मतलब PO4 का ट्वाइस आ जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा, तो कैल्शियम 3 आ जाएगा यहाँ, तो ये 3 इधर करना पड़ेगा, और फॉस्फेट 2 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये भी 2 करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, तो अब देखो अब कैसे बैलेंस करना है हमें बाकी, तो बाकी देखिए आप क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा ना, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा, तो सोडियम सल्फेट बनेगा, तो Na2SO4 बनेगा भाई, ध्यान दीजिएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला तो ये है ना, अगर आपको नहीं आता है तो देखो SO4 2 माइनस है, 2 माइनस का था, 2 प्लस आएंगे, 2 प्लस 2 Na होनी चाहिए, है ना, तो आप देखो यहाँ पे कितने हैं Na, 3 × 6, है ना, और तो ये हो जाएगा 3 Na2SO4, है ना, तो ये हमारे पास देखो अब फ़ायदा क्या हुआ, हमें फ़ायदा ये हुआ फॉस्फेट कंडीशनिंग से, फ़ायदा ये हुआ कि जो कैल्शियम सल्फेट था वो कैल्शियम फॉस्फेट में बन जाएगा। अच्छा, ये जो टाइट लेयर थी, हार्ड जो लेयर थी इसकी, ये भी लेयर बनाएगा, ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही रहेगा, ये भी साइड इफेक्ट करेगा कुछ, लेकिन ये साइड इफेक्ट क्या करेगा, कम करेगा। अरे यस नो भाई, कम करेगा, स्लिमी लेयर बनाएगा, ये स्लिमी लेयर को आप निकाल सकते हैं आसानी से। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, आपको दिमाग लगाने का कौन क्या करता है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा ना यार। फॉस्फेट कंडीशनिंग तो क्या होता है, उसमें फॉस्फेट डालते हैं, कौन सा फॉस्फेट डालेंगे, ये आपको ध्यान रखना है ना।
अगर आप सोडियम फास्फेट डालेंगे तो क्या बनेगा, और उससे वो टाइट बनाता है कि नहीं बनाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास एक ही हो गया। लास्ट जो एक और है हमारे पास इसमें, वो है कैलगोन कंडीशनिंग। कैलगोन डालते हैं हम, तो कैलगोन की कंडीशनिंग करते हैं। तो कैलगोन की कंडीशनिंग करने से क्या होता है, अब देखो पहली बात तो ये कि कैलगोन का फॉर्मूला क्या है। कैलगोन का फॉर्मूला है Na2Na4PO3⁄6, ये है कैलगोन का फॉर्मूला, ठीक है, याद रह जाएगा, है ना। क्या है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है, कैलगोन का। तो जैसे आप वाटर के अंदर डालेंगे तो देखो आप क्या लॉजिक है इसका, वाटर के अंदर डालेंगे तो जितना ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि जिसमें जिस कंपाउंड के अंदर ब्रैकेट लगा हुआ है इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। और पहचान क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, कि ये कभी भी क्या नहीं होते, डिजोल्व नहीं होते, है ना। तो डिजोल्व कौन होगा, जो उसके एंटिटी से बाहर होगा, एंटिटी मतलब जो इस ब्रैकेट से बाहर होगा। तो ये बदल जाएगा क्या, 2Na+ और Na4 और PO3⁄6 और 2-, ध्यान दीजिएगा 2- क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि 2Na इसके एंटिटी से निकल गए हैं, समझे बात कि नहीं समझे। अब ये क्या करेगा, ये पानी के अंदर कैल्शियम सल्फेट को कैल्शियम फास्फेट में बदल देगा, ये किस में कन्वर्ट कर देगा इसे, कैल्शियम फास्फेट, मेटल मेटल को रिप्लेस करेगा। तो देखो यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम PO3⁄6, आप ध्यान दीजिएगा PO3, तो यहाँ पर आ जाएगा कैल्शियम Na के कितने, 4, तो कैल्शियम कितने आने चाहिए, 2, क्योंकि ये 2 बैलेंसी वाले हैं और ये 1 बैलेंसी वाला, तो इसके 4 के बराबर ये कैल्शियम क्या होगा, 2 बराबर होंगे, है ना। अरे यस नो, तो कैल्शियम 2Ca2PO3⁄6, है ना, बस बाकी तो सेम ही रहेगा, 2-, है ना। और ये देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na अगर इसकी जगह आएगा तो क्या बनेगा, अरे भाई ये देखो SO4 पहले से है, यहाँ पे देखो SO4 पहले से है, यहाँ पे Na लाना हमने इसकी जगह, है ना। तो Na लाना है तो क्या करना पड़ेगा, एक बात बताओ, यहाँ Ca2 आ गया तो ये भी Ca2 हो जाएगा, पहली बात तो ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पे SO4 है पहले से ही है, इसकी जगह हमें क्या लाना है, एक कैल्शियम की जगह कितना क्या लाना है, Na लाना है, एक कैल्शियम की जगह 2 Na आएंगे, तो 2 की जगह क्या आएंगे, 4 आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो Na2 तो आएगा Ca की जगह, क्योंकि एक Ca को कितने Na रिप्लेस करेंगे, 2। ये बात समझ में, लॉजिक समझ आता होगा कि नहीं, क्योंकि कैल्शियम की बैलेंसी 2 है भाई और सोडियम की बैलेंसी 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे Na4 नहीं लिख सकते, इसके 2 क्या लिख दो, आगे लिख दो, है ना। तो बस ये बैलेंस हो गया, तो प्लस ये बन गया। तो ये देखो आप, जो कैल्शियम सल्फेट था ना वो कैल्शियम फास्फेट में कन्वर्ट हो गया और सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, और ये जो है ना ये लूज स्लिमी लेयर बनाएंगे, बस इनको कन्वर्ट करने का तरीका है। पर कैल्शियम सल्फेट समस्या है, वो चिपक जाता है ना, चिपक जाता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट उतनी समस्या नहीं है, बाइकार्बोनेट की वजह से भी हार्डनेस होती कि नहीं होती, कठोर तो होती, पर बाइकार्बोनेट क्या होता है, वो स्केल नहीं बनाता, बाइकार्बोनेट भी सलज बनाता है, वो भी एक पपड़ी बनाता है, पर उतनी चिपकने वाली नहीं बनाता, एकदम हल्की वाली पपड़ी बनाता है। लेकिन जो सल्फेट है, क्लोराइड है ना, सबसे ज़्यादा सल्फेट है, वो बनाता है बहुत खतरनाक स्केल। तो उसको हमें किसी तरह दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दूसरे फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो बनाएगा तो है वो, क्योंकि जो पदार्थ है वो कुछ ना कुछ तो बनाएगा, लेकिन इतना भयंकर नहीं बनाएगा कि भयंकर वाला चिपक नहीं जाएगा वहाँ पर, क्योंकि वो भयंकर वाली चीज़ जो बनेगी ना, उससे बॉयलर ख़राब हो जाएगा। तो हमें कुछ सर्टेन केमिकल डालने पड़ेंगे जिससे वो लेयर जो है पूरी तरह चिपके ना, वॉट इट, तो ये डालने पड़े, इससे स्केल फॉर्मेशन रुक जाएगा और बॉयलर बच जाएगा हमारे। बॉयलर का जो ड्यूरेबिलिटी है या उसका जीवन काल है, लाइफ स्पैन है, वो बहुत लंबा होगा। गो, गो।